तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां भीषण आग लगी है। आग लगने से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। थाना लोनी बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। हादसे में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। आग क्यों लगी, बस लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, लेकिन 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई गाजियाबाद में आग लगने से। ये परिवार है जिन्होंने अपने हमेशा हमेशा के लिए इनसे अलग हो गए। चलिए विपिन से जानकारी लेते हैं। विपिन, ये बताइए कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, जो लोग झुलसे हैं उनको अस्पताल भर्ती कराया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, इस कमरे में सिर्फ 6 लोग थे, जिसमें एक महिला और 5 बच्चे थे। 6 की मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस इस जानकारी में जुटी है कि क्या ये आग लगने से मौत हुई है या दम घुटने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो परिवार के और लोग थे वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे। सुबह जब वो लौटे, आज बच्चों का पेपर था जैसा परिवार वालों ने बताया है, तो जब जगाने के लिए गए बच्चों को, तब उन्हें ये हादसे का पता चला। तो प्रारंभिक जांच में निकल के सामने आ रहा है, उसके मुताबिक सबसे पहले उस कमरे में जो फ्रिज रखा हुआ था उसने आग पकड़ी, उसके बाद टीवी ने आग पकड़ी और धीरे धीरे पूरे कमरे में आग लग गई। अब ये फॉरेंसिक टीम पहुंचने वाली है, आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, सब इसी जांच में जुटे हैं जानने के लिए कि फ्रिज में आग कैसे लगी। उसके अलावा क्या ये जो मौत हुई है 6, जिसमें 5 बच्चे और एक महिला है, क्या ये आग से झुलस के मौत हुई है या आग लगने के कारण जब इनका दम घुटा है तो उससे मौत हुई है। बिल्कुल विपिन, शुक्रिया। ये जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, जहां अब फोरेंसिक टीम पहुंचेगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी कि घर में भीषण आग लगी है, 6 परिवारजनों की मौत हो गई है, एक महिला है और बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कोहरे ने एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ले ली है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दनकौर थाना क्षेत्र के खेरली नहर के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। हादसे के वक्त परिवार के कुल 11 लोग इस कार में सवार थे, जो संभल से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। देखिए इन तस्वीरों को, और डराती हैं ये तस्वीरें कि घर से बाहर निकलना हर किसी की मजबूरी है, ज़रूरत है, लेकिन हंसी खुशी के साथ ये पूरा परिवार हंसता खेलता दिल्ली की ओर रुक कर रहा था, लेकिन रफ्तार पे शायद काबू ना हो। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वाकई वजह क्या रही होगी इस हादसे की, लेकिन जो परिणाम है वो हमारे आपके सामने है। एक ही परिवार से जो 11 लोग सवार थे, 6 को तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सीएम योगी ने भी दुख जताया है। प्रदेश के सभी डीएम एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षित आवागमन के लिए ज़रूरी प्रबंध करें, बहुत ज़रूरी है। ऐसे हादसों से सबक लेते हुए गाड़ी की फॉग लाइट, कम से कम रफ्तार पे कंट्रोल तो ज़रूर किया जा सकता है। घर से बाहर निकले, सही समय कर समय पर निकले। और इस पूरे हादसे पर खुद सीएम योगी ने भी दुख जताया है। उनका कहना है कि डीएम एसएसपी सभी ध्यान दें, लोगों को जागरूक करें कि जो घर से बाहर निकलना तो नहीं रुक सकता, लेकिन थोड़ी सावधानियां ज़रूर बरती जा सकती है, थोड़े प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।